हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, फाइनली जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अदर कोर्स के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ड्यू एसओएल के, इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म कह सकते हैं या अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट फॉर्म कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये कैसे करना है, तो इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पर आनी है, फिर स्टूडेंट डैशबोर्ड को लॉग इन करना है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अपना एसओएल का रोल नंबर बारकोड डाल के लॉग इन कीजिए। देख सकते हैं, स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉग इन करने के बाद ऐसा विंडो आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि जो आपके सेकंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के हमने डैशबोर्ड ओपन किया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करके, ये इस वाले लिंक को क्लिक करके अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेमेस्टर फर्स्ट के आपके पेपर है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेमेस्टर जो सेकेंड होता है ना, उसके आपको यहाँ सब्जेक्ट शो होने लगेंगे। जैसे कि हम आपको कैसे फिल करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों आपके सेम रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा सिलेक्ट करने का। इसके बाद आपको पेपर 4, 5, 6, 7, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इस पर आप क्लिक करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसमें जो देख सकते हैं कि जो कि आपने पहले सेमेस्टर फर्स्ट में जो ईजी सब्जेक्ट है उसमें आपने हिंदी लिया था, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश लेना होगा। नहीं तो अगर पंजाबी, संस्कृति ये सब तो कोई लेगा नहीं, हिंदी लिया था, तो अभी आपको इंग्लिश का पेपर लेना होगा ईजी सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है पेपर 5 है, जो आपने इससे पहले इन्वायरमेंट साइंस आपने स्टडी की होगी। इसके बाद अब आपको इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कोर्स के। तो सभी स्टूडेंट जहाँ तक है कि हिंदी लेंगे, क्योंकि पंजाबी उर्दू ये सब कोई स्टूडेंट लेगा नहीं। तो इसमें हिंदी में भी ना आपके तीन हिंदी दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें आपको कौन सी हिंदी लेनी है, इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो ये देखो, फर्स्ट हिंदी जो 12th के बेस पर होती है, और ये 10th और ये 8th के बेस पर। तो आपने 12th तक स्टडी की है, तो ये वाली हिंदी फर्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा, एंड सेकेंड 10th और ये 8th। तो इस टाइप से आपको ये पेपर 5 सेलेक्ट करना है, और पेपर 6 से जो आपका, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं। और पेपर आपका जो 7 है, इसमें से भी इन दोनों में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेके स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर टिक कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। तो जो आपके ये है ना कि जो आपके ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप अपना फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। इसके बाद अपना जो स्टडी मटेरियल का रजिस्ट्रेशन वो करके आप स्टडी मटेरियल लेने जा सकते हैं एसओएल कैंपस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा फिल नहीं करें, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, उसे कौन से सब्जेक्ट चाहिए हो तो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको फॉर्म को फिल नहीं कर रहे हैं। तो आप कर लीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।